जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक ट्राली हमारे यहाँ पे ये मंगवाई है, तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपके जो ट्राली डलवा रहे हैं वहाँ की जगह साफ नहीं है तो सबसे पहले वहाँ की जगह की सफाई करवाइए, और अगर आपके पास पल्ली या पाल कुछ है तो आप उसको बिछा दीजिए, उसके ऊपर आप ट्राली को डलवाइए। इसमें ये फ़ायदा रहता है कि आपकी रेत में धूल मिट्टी या कुछ भी मिल नहीं पाते कंकर पत्थर, अन्यथा क्या होता है कि अपन ये माल जब मिलाते हैं तो माल में क्या है मिट्टी चल जाती है, तो उसमें फिर सही से पकड़ नहीं पाती है सीमेंट। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो आपको ये करना है कि पल्ली बिछाइए या पाल बिछाइए, उसके ऊपर ही आप रेत को डलवाइए, ताकि आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मिट्टी नहीं मिल पाए रेत में। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे आप वहाँ पे कहीं पे भी रेत की ट्राली खड़ी रहती है वहाँ से रेत को लेकर आओगे तो उसकी चेकिंग कीजिए, जैसे मोटे दाने ज़्यादा ना हो, और कच्चे दाने क्या रहते हैं कि उसमें सफ़ेद दाने होते हैं, सफ़ेद दाने कच्चे रहते हैं, तो वो दाने को हमेशा आप ध्यान दीजिए कि कच्चे दाने ना हो उसमें, पूरे काले दाने होंगे तो आपकी रेत बहुत प्योर रेत है और बहुत अच्छी रेत है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा आप कि रेत में ज़्यादा मोटे दाने भी ना हो और काले दाने ज़्यादा हो, सफ़ेद दाने ना होना चाहिए। उसके बाद में उसको आप क्या है हाथ में लेके और मसिए, अगर आपके हाथ में मिट्टी आ गई है तो ये सोच लीजिए कि रेत में मिट्टी है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि ट्राली पूरी खाली होने के बाद में जो ट्राली रहती है उसकी तली में क्या होता है कि मिट्टी जम जाती है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप गौर करिएगा अगर उसमें मिट्टी जम रही है तो आपकी रेत में मिट्टी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।